और उसके बाद क्या हरियाणा पुलिस का कोई एक्शन देखने को मिलेगा या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हरियाणा पुलिस और किसान दोनों नजर आ रहे हैं। ये दोनों चीजें इस समय बहुत अहम है जिसके ऊपर नजर बनी हुई है। मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, अपडेट करता रहूंगा। वापस रुक करते हैं स्टूडियो का, तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल इस समय ड्रोन काफी अगे गया और ड्रोन के जरिए पूरी नजर रखी जा रही है। फ्रॉम तुसी कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट तो करीब करीब 1 किलोमीटर तक ड्रोन पिछे चला जाता है। जिहड़े आले दुआले खेत सानू नजर आते हैं, उन्हां दी सड़कां नजर आउंदियां ने, ड्रोन उत्थे भी पूरी एक चक्कर लगा के आंदा है ते पूरा ऑब्जर्व करने की कोशिश है कि आखिर की कुछ माहौल बनता होया नजर आ रहा है, किवें लोग उत्थे मौजूद ने। खैर फिलहाल फोकस सीधे तौर दे उत्ते रोड दे उत्ते है जिथे बैरीकेड किए हुए ने। बैरीकेड नूं जदों कोई टप्पण की कोशिश करता है तां फिर उस तों बाद जरूर अथरू गैस के गोले छड़ दिते जांदे ने। ड्रोन हुण पिछे जा के इक वारी जरूर देख रहे हैं। इत्थे 2-3 तरह के ड्रोन हरियाणा पुलिस के वल्लों इस्तेमाल गगन किए जा रहे हैं और ड्रोन के जरिए जिहड़ी तुसीं कह सकते हो कि नज़र रखी जा रही है वो तस्वीरां ने। तो मैं तुहानूं एक बारी इस एंगल तो दिखाने की कोशिश कर रहा कि इस समय किवें पूरी प्रदर्शनकारियों की इत्थे किसानों की भीड़ नजर आ रही है। बहुत बड़ी गिणती दे विच लगातार आ रहे हैं क्योंकि पिछे बहुत सारिया ट्रालियां जिवें साडे सहयोगी पंकज ने जिक्र किया कि 2-3 हज़ार ट्राली हो सकती है जिहड़ी पिछे रुकी हुई होवे, तो वह भी एक साइड के उत्ते सड़कों के उत्ते लगा के वह भी अगे पैदल वधदे रहिंदे ने, तो वह भी एक तस्वीर जरूर बनती है। गगन तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल इस समय ड्रोन काफी अगे गया और ड्रोन के जरिए पूरी नजर रखी जा रही है। फ्रॉम तुसी कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट तो करीब करीब 1 किलोमीटर तक ड्रोन पिछे चला जाता है। जिहड़े आले दुआले खेत सानू नजर आते हैं, उन्हां दी सड़कां नजर आउंदियां ने, ड्रोन उत्थे भी पूरी एक चक्कर लगा के आंदा है ते पूरा ऑब्जर्व करने की कोशिश है कि आखिर की कुछ माहौल बनता होया नजर आ रहा है, किवें लोग उत्थे मौजूद ने। खैर फिलहाल फोकस सीधे तौर दे उत्ते रोड दे उत्ते है जिथे बैरीकेड किए हुए ने। बैरीकेड नूं जदों कोई टप्पण की कोशिश करता है तां फिर उस तों बाद जरूर अथरू गैस के गोले छड़ दिते जांदे ने। ड्रोन हुण पिछे जा के इक वारी जरूर देख रहे हैं। इत्थे 2-3 तरह के ड्रोन हरियाणा पुलिस के वल्लों इस्तेमाल गगन किए जा रहे हैं और ड्रोन के जरिए जिहड़ी तुसीं कह सकते हो कि नज़र रखी जा रही है वो तस्वीरां ने। तो मैं तुहानूं एक बारी इस एंगल तो दिखाने की कोशिश कर रहा कि इस समय किवें पूरी प्रदर्शनकारियों की इत्थे किसानों की भीड़ नजर आ रही है। बहुत बड़ी गिणती दे विच लगातार आ रहे हैं क्योंकि पिछे बहुत सारिया ट्रालियां जिवें साडे सहयोगी पंकज ने जिक्र किया कि 2-3 हज़ार ट्राली हो सकती है जिहड़ी पिछे रुकी हुई होवे, तो वह भी एक साइड के उत्ते सड़कों के उत्ते लगा के वह भी अगे पैदल वधदे रहिंदे ने, तो वह भी एक तस्वीर जरूर बनती है। गगन तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल इस समय ड्रोन काफी अगे गया और ड्रोन के जरिए पूरी नजर रखी जा रही है। फ्रॉम कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट तो करीब करीब 1 किलोमीटर तक ड्रोन पिछे चला जाता है। जिहड़े आले दुआले खेत सानू नजर आते हैं, उन्हां दी सड़कां नजर आउंदियां ने, ड्रोन उत्थे भी पूरी एक चक्कर लगा के आंदा है ते पूरा ऑब्जर्व करने की कोशिश है कि आखिर की कुछ माहौल बनता होया नजर आ रहा है, किवें लोग उत्थे मौजूद ने। खैर फिलहाल फोकस सीधे तौर दे उत्ते रोड दे उत्ते है जिथे बैरीकेड किए हुए ने। बैरीकेड नूं जदों कोई टप्पण की कोशिश ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਗਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਗਨ